हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 20 कमाल के किचन टिप्स लेके आई हूँ, जिससे आपका खाने का स्वाद ना दुगना भर जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। अक्सर लोग खाना बनाने से दूर भागते हैं, उन्हें किचन में होने वाली गलतियों से डर लगता है। उन्हें लगता है अगर खाना जल गया या कच्चा रह गया तो फिर स्वाद अच्छा नहीं आएगा, मगर ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। इन सभी गलतियों के लिए एक्सपर्ट ने कई टिप्स और हैक्स तैयार किए हैं, जिनकी मदद से आप किचन में हुई छोटी मोटी गलतियों को सुधार सकते हैं। खाना बनाना किसी आर्ट की तरह है, जिसे अगर थोड़ा सा धीरज रखकर और ध्यान से किया जाए तो यह परफेक्ट बन सकता है। अगर आप कुकिंग में के मामले में नहीं है और थोड़ी मदद की तलाश में हैं, तो हमें यकीन है कि ये टिप्स आपको ज़रूर काम आएगा। इन टिप्स को ना सिर्फ आप खाना बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि उसका स्वाद भी बेहतर होगा। तो पहला टिप्स है, चलिए देखते हैं। छीना फाड़ने के बाद उससे निकला पानी को फेंके नहीं, इसका इस्तेमाल आप रोटी या पराठा गूंथने में करें। रोटी और पराठे ज़्यादा टेस्टी और मुलायम बनेंगे। दूसरा टिप्स है, पकौड़े के लिए बैटर बनाते वक्त उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला दें, इससे पकौड़े आपके क्रिस्पी बनेंगे। तीसरा टिप्स है, पुरानी या बासी ब्रेड को पीस कर एयरटाइट डब्बे में रख लें, बाद में इसका इस्तेमाल कटलेट या कबाब बनाने में करेंगे तो वो टूटेंगे नहीं और स्वादिष्ट बनेंगे। चौथा टिप्स है, आप कोई भी मीठी डिश बनाते वक्त उसमें एक चुटकी नमक डाल दें, इससे आपका स्वाद उभर कर ज़्यादा आएगा। चावल बनाते वक्त इसके पानी में एक चम्मच घी और कुछ नींबू के बूंदे के रस डालें, इससे चावल खिले खिले और बिल्कुल सफ़ेद बनेंगे। छठा टिप्स है, किसी भी ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज भूनते वक्त उसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालें, चीनी कैरमलाइज होकर ग्रेवी में अच्छा कलर और स्वाद भी देगी। सातवां टिप्स है, पूड़ी को बेलकर तलने से पहले 10 मिनट फ्रिज में रख दें, इससे वो फ्राई करते वक्त ज़्यादा तेल नहीं सोखेगी। आठवां टिप्स है, सूजी के हलवे के लिए भूनते वक्त उसमें आधा चम्मच बेसन भी मिला दें, इससे हलवा का स्वाद ना दुगना हो जाएगा। नौवां टिप्स है, परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलू को काटकर 2-3 मिनट के लिए पानी में उबालें, फिर पानी से निकालकर इसे किचन नैपकिन या टिश्यू पेपर में फैला दें, इससे इसका सारा पानी सूख जाएगा। अब इन्हें कॉर्नफ्लोर में डस्ट करके जिप लॉक बैग या एयरटाइट डब्बे में बंद करके फ्रीजर में रख दें, ज़रूरत पड़ने पर इसे निकालकर तुरंत फ्राई कर लें। दसवां टिप्स है, प्लेन मेयोनीज में हरी चटनी या टमेटो चिली सॉस या चॉप किया हुआ धनिया पुदीना मिलाकर बिल्कुल नए स्वाद वाला डिप या स्प्रेड तैयार करें। 11वां है, लहसुन की 10-12 कलियों को बारीक काटें, 1 चम्मच तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें, इससे पानी निचोड़े दही में नमक, चिली फ्लेक्स और बारीक कटे हुए धनिया मिलाएं। आपका हेल्दी और टेस्टी सैंडविच स्प्रेड और डिप तैयार है। 12वां टिप्स है, किसी ग्रेवी में अगर तेल या घी ज़्यादा हो जाए तो उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज या फ्रीजर में रख दें, ऊपर तैर रहा तेल जम जाएगा और इसे आप आसानी से निकाल कर फेंक सकती हैं। बाद में अपनी डिश में सर्व करने से पहले दोबारा यह गर्म कर ले। 13वां टिप्स है, भिंडी अगर हर बार चिपचिपी बनती है तो इसे पकाते वक्त नींबू के कुछ बूंदे का रस डाल दें, इससे इसका चिपचिपापन चला जाएगा। इसके अलावा आप भिंडी पकाते वक्त इसमें 1 चम्मच भुना हुआ बेसन डाल देंगे तो इसका चिपचिपापन तो दूर हो जाएगा ही और यह क्रिस्पी और कुरकुरी भी बनेगी। 14वां टिप्स है, इंस्टेंट नींबू पानी बनाने के लिए पहले 2 कप चीनी को 1 कप पानी के घोल में घोल लें, इससे और इसमें 4-5 नींबू का रस मिला दें। इस मिश्रण को आइस ट्रे में डालकर फ्रिज में रख लें। जब नींबू पानी या सिकंजी बनाना हो 2 क्यूब ग्लास में डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें, अपनी पसंद के हिसाब से चिल्ड सोडा या पानी मिक्स कर लें, इससे आपको ड्रिंक में अलग सा बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है और बर्फ़ डालने से शरबत जो फीका पड़ जाता है वह भी आपको परेशानी नहीं होगी। 15वां टिप्स है, किसी भी डिश को क्रीमी और रिच ग्रेवी बनाने के लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और कुछ काजू के टुकड़े को पानी में 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लें। टमाटर का छिलका हटाने के बाद सभी चीज़ों को एक साथ पीस कर छान लें।
इस बेस सॉस या पेस्ट के साथ ग्रेवी बनाएं तो यह बिल्कुल रिच और क्रीमी ग्रेवी बनेगी। 16वां है ऑमलेट बनाने के लिए अंडा फेंकते वक्त उसमें 2 चम्मच दूध मिला दें, इससे ऑमलेट आपका सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। 17वां टिप्स है मलाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घी निकालने के लिए उसमें बर्फ़ डालकर मिक्सी में चलाएं, इससे सारा मक्खन अलग होकर ऊपर आ जाएगा और मट्ठा नीचे रह जाएगा। इस मट्ठे या छाछ का इस्तेमाल आप कढ़ी बनाने या रवा इडली के बैटर बनाने के लिए कर सकती हैं। 18वां टिप्स है इंस्टेंट क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आलू को पतले स्लाइस काट लें, इन्हें बर्फ वाले पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें, उसके बाद इसे फ्राई करें। 19वां टिप्स है बिना अंडे का सॉफ्ट और फ्लफी केक बनाने के लिए केक का बैटर पके केले और दही के साथ बनाएं। 20वां टिप्स है लौकी का कोफ्ता या हलवा बनाने के लिए इसे कद्दूकस करने के बाद जो पानी निकले इससे आटा गूंद लें, इससे पराठे आपके सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे बल्कि हेल्दी भी रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी टिप्स ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों फैमिली ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं अच्छे से टिप्स के साथ।